यदि आप किसानों के जीवन में आर्थिक समृद्धि लाना चाहते हैं तो निर्यात योग्य फल उत्पादन एक विकल्प है, लेकिन उसके लिए नर्सरी प्रबंधन में सुधार करें, नई तकनीक का इस्तेमाल करें, किसानों का मार्गदर्शन करें। ये अपील केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शासन से की है। विधायक गिरीश व्यास ने वनमती में विदर्भ एक्सपोर्टेबल ऑरेंज सिट्रस लेमन कस्टर्ड एंड केला ग्रोअर्स एसोसिएशन की ओर से निर्यात पर कार्यशाला का उद्घाटन किया। पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर सी डी माई थी। वनमती के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर उदय पाटिल, कार्यक्रम की मुख्य आयोजक अर्चना कडू, मोरेश्वर वानखेड़े, सदस्य महाराष्ट्र कृषि शिक्षा और अनुसंधान परिषद पुणे उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हस्ते किसानों का सम्मान भी किया गया। तिथे अपना जो तलाव आला, तलाव पानी आल, तिथे आता गवत लावलं, आता जनावर गवता की व्यवस्था झाली। म्हणजे पहिली गोष्ट अशी आहे की आपल्या भागामधले नदी नाले ओढे याचं खोलीकरण रुंदीकरण जरी आपण केलं, त्या ठिकाणी निकाची माती आणि ऍग्रीगेट जर बाहेर काढलं तर वॉटर लेवल वाढते। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये बुलढाणा ते अजिंठा रस्त्यावरचा सक्सेसफुल प्रयोग बुलढाणा पॅटर्न म्हणून प्रकाशित आहे की ज्या भागातून धनगर समाजाचे लोक मोठ्या प्रमाणात मायग्रेट होत होते, आज त्या भागामध्ये आपण विशेष रूपाने, मला आनंद झाला की त्या भागातून आता कोणी जात नाही, सगळ्या गावाला प्यायला पाणी झालं आणि ज्या विहिरीचं पाणी अर्धा तास पुरत नव्हतं ती विहीर आता 18 तास 24 तासापर्यंत चालायला लागली आणि पाण्याची मुबलक उपलब्धता झाली आणि शेतकऱ्याचं सिंचन वाढलं। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।